गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें संज्ञा के विकारक तत्व के दो भाग किए थे, लिंग और वचन। आज हम तीसरा भाग करेंगे जिसका नाम है कारक। कारक, कारक क्या होता है? बच्चे, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ जोड़कर रखते हैं उन्हें कारक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कविता व्याम किया, राम रावण मारा, निखिल चाकू फल काट रहा है, सतीश अपने पिता दवा लाया। बच्चे, जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ अशुद्धियां नजर आती हैं, तो वो अशुद्धियां क्या है? इनमें कारक का प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम इन वाक्यों को ऐसे पढ़े, कविता ने व्याम किया, राम ने रावण को मारा, निखिल ने चाकू से फल काट रहा है, सतीश अपने पिता के लिए दवा लाया, तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विसर्ग भी कहते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले कारक की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण मारा, रोहन ने पत्र लिखा। कारक के बच्चे आठ भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आइए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। कारक के भेद पढ़ने से पहले हम उनके प्रसर्ग और विभक्तियां पढ़ेंगे। कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है, कर्म के साथ को, करण के साथ से और के द्वारा, संप्रदान के साथ को और के लिए, अपादान के साथ से लेकिन वो अलग होने के बारे में बताता है, संबंध के साथ का, के, की या रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है, अधिकरण के साथ में और प्रसर्ग पर लगता है, संबोधन के साथ हे, अरे, ओ लगता है। पहला है कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे सीता गुड़िया के साथ खेल रही है, सीता इसमें क्या है? कर्ता, क्योंकि वो काम कर रही है, तो जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जिस अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन चावल खाता है, जब हम यहाँ पर पूछते हैं कि मोहन क्या खाता है, मोहन चावल खाता है, तो क्या लगाने से जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो किस रूप में आता है? कर्म के रूप में आता है। तीसरा है करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शीला साइकिल से स्कूल गई, शीला किससे स्कूल गई? साइकिल से, तो उसने किस साधन का प्रयोग किया? साइकिल का, तो जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ दे देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने छोटे भाई के लिए चॉकलेट खरीदी, तो मोहन ने किसके लिए चॉकलेट खरीदी? अपने छोटे भाई के लिए, तो के लिए इसमें विसर्ग है। संप्रदान का विसर्ग क्या होता है? के लिए। संप्रदान मीन्स दूसरों को देना। नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाए, कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा नदी किससे अलग होकर आ रही है? हिमालय से। अलग होने का जहां भाव प्रकट हो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आगे है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे हरीश
पेड़ के पीछे छिपा है। हरीश और पेड़ में क्या हो रहा है, संबंध दिखाया जा रहा है कि हरीश कहाँ छिपा है, पेड़ के पीछे। तो जो संबंध को दर्शाती हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहती हैं। जैसे सरोवर में कमल खिले हैं, तो स्थान का यहाँ पर बोध हो रहा है कि सरोवर में कमल खिले हैं। कमल कहाँ खिले हैं, सरोवर में। स्थान की जानकारी दें या समय की जानकारी दें, उन्हें अधिकरण कारक कहा जाता है। संबोधन कारक, संबोधन से नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को बुलाना, संबोधन करना। जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहती हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ, तो हमने उसको आवाज लगाकर बुलाया कि मोहन इधर आओ, संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। बच्चे ये आपकी कार्यपत्रिका है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग किए कीजिए, को, में, से, है, ने आदि। धन्यवाद बच्चों।